दोस्तों नमस्कार, मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूँ काम की बातें विद आदर्श में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बहुत ही खास चीज़। ये खास चीज़ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर है। अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता है कि धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है कश्मीर से, तो इसका असर तो पूरे देश में पड़ा ही है, पर जो मिर्ची लगी है वो हमारे मुल्क देश पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लगी है। इसका असर आपको देखने को यूँ पता चलता है कि इन्होंने अभी द्विपक्षीय व्यापार को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। द्विपक्षीय व्यापार का को सस्पेंड करने का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि ना वो हमसे व्यापार करेंगे, ना वो कोई माल आयात करेंगे या निर्यात करेंगे। लाइक वो ना हमारे यहाँ कुछ बेच सकेंगे, ना हमसे कुछ खरीदेंगे। तो यह शायद इमरान खान जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शायद ये अपने मुल्क के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी भारत बहुत ही संपन्न देश है। पाकिस्तान की छोटी सी इस संधि को हटाकर भारत को तो कुछ घाटा नहीं होगा, पर हाँ पाकिस्तान को काफ़ी घाटा होगा। ये हम सब जानते हैं कि इस संधि का फ़ायदा केवल और केवल पाकिस्तान मुल्क को ही जा रहा था, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो भी इन्होंने आयात निर्यात किया हुआ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पिछले 1700 करोड़ रुपए का पिछले साल उन्होंने आयात निर्यात किया था, और अभी लगभग से 17,000 करोड़, और अभी लगभग 1,000 करोड़ की बस बढ़ोतरी हुई थी। तो अगर वो बंद भी हो जाता तो भारत को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पुलवामा अटैक के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से छीनने के बाद उनका व्यापार वैसे भी बहुत डाउन हो चुका था। तो ये चीज़ इमरान खान जी आप जान लीजिए कि अगर आप इस तरीके की अगर गलतियाँ करते रहेंगे तो दोबारा आप अपने देश के लिए बर्बादी चाह रहे हैं। और मुल्क की आवाम आप जानिए और समझिए, पाकिस्तान कोई बुरी जगह नहीं है। पाकिस्तान को हम बहुत प्यार करते हैं, पर पाकिस्तानी कुछ गतिविधियों की वजह से हमेशा वो नज़र में रहती है, पर वहाँ के लोग जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ों को समझें और अपने ही मुल्क के इस तरीके के जो आपके प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं उनको समझाएं और उस पर आप लोग आवाज़ करें। भारत हिंदुस्तान आपके लिए हमेशा कुछ अच्छा ही चाह है, कोशिश करिए इस अच्छे को अच्छा बना रहें। और मैं होपफुली आप सभी को लिए दुआ करूँगा कि आप लोगों का खान पान रहन सहन हमेशा अच्छा रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।